नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है पत्थरों से फूटा सृजन। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहां कला और उसके कदरदानों की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि यहां एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। बात चाहे सिनेमा जगत की करें या फिर हाथ की कारीगरी की, सभी कलाकारों ने देश और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम आज भोपाल की ही एक ऐसी कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने हुनर के दम पर पत्थरों में जान फूंक दी। अनीता दुबे इनका नाम है। जी हाँ, अनीता दुबे पत्थरों से ऐसी कलाकृतियों को आकार देती हैं जो शाश्वत नजर आती हैं। देश के मौजूदा हालात, सामाजिक आर्थिक घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने कई कलाकृतियों को आकार दिया है जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। कला के कदरदानों ने उनके हुनर को सराहकर उनका हौसला बढ़ाया है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि अनीता दुबे की पहचान एक कलाकार तक ही सीमित नहीं है। अनीता जी कलाकार होने के साथ साथ एक सम्मानित लेखिका भी हैं। उनकी लिखी गई कई किताबें, कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें से उनका कविता संग्रह एक और सुबह और बाल कविताएं प्रमुख हैं। अनीता जी आकाशवाणी भोपाल में अनाउंसर यानी उद्घोषक के तौर पर भी भूमिका निभा चुकी हैं। साल 1990 में तत्कालिक उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की पत्नी विमला शर्मा ने उन्हें हिंदी कविता के लिए पुरस्कृत भी किया। 2017 में अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन की ओर से सुमन चतुर्वेदी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार से भी अनीता जी को सम्मानित किया जा चुका है। अच्छे बुरे की तुमको खबर मैं देती हूँ, इंसान हूँ मगर पत्थरों को जुबा मैं देती हूँ। इन्हीं लफ्जों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे साथ अनीता दुबे जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अनीता जी। जिस हुनर की आप हम कहेंगे मालिक हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है, और अगर इस हुनर की शुरुआत की हम बात करें तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी ये बताइए हमें। देखिए, पत्थर नदी और समुद्र में हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं और वैसे तो सड़क किनारे भी मिल जाते हैं। तो जब मैं 10-12 साल की रही थी तब होशंगाबाद नर्मदा नदी के से ही मुझे पहले पत्थर जो मिले हैं वो वहीं से मिले हैं। और इसके अलावा अगर आपने जो पत्थरों की बात की, इनसे पहचान हुई, आपको ये अच्छे लगने लगे, आपकी रुचि इस तरफ आई, लेकिन इनको इस तरीके से एक डिज़ाइन देना, एक आकार देना, इसके लिए भी तो कोई कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना अपने जीवन में होती है जब हम किसी की तरफ, किसी हुनर की तरफ या किसी भी अपने टैलेंट को पहचान पाते हैं। आपने अपना ये टैलेंट कब पहचाना? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं है कि मैंने कैसे पहचानना शुरू किया पत्थरों को, लेकिन कुछ जब मैं थोड़ा स्कूल में 11वीं 12वीं में थी उस समय कुछ कलाकृतियां मैंने जो गांव का सीन है या कुछ ऐसे बनाया था, वो भी मिस्र की जो अपना मोजेक वर्क होता है वो एक पत्रिका में, सोवियत नारी पत्रिका हमारे घर आया करती थी, और उसमें मैंने देखा था और उससे लगा कि ये उस समय टाइल या मोजेक मिलना आसान नहीं था, ये 80 के दशक की बात है, लेकिन घर में उसी प्रकार पत्थर जरूर थे, बहुत सारे रंगीन पत्थर जिनको संजोकर मैंने कुछ तस्वीरें बनाई थी, और फिर वहां से ये शुरुआत रही कि हमेशा जो भी रंग के पत्थर मिलते रहे वो संग्रहित होते रहे। जिस तरह से हमें पता चला है अनीता जी कि ये जो कला है आपकी, इसको प्रस्तर कला भी कहते हैं, और इस प्रस्तर कला की अगर बात करें तो इसको एक शक्ल देने वाले या नाम देने वाले हम आपको ही कहेंगे, और साथ ही साथ ये भी हमें पता चला कि जब कोरोना काल में लोग घर बैठे हुए थे, बहुत सारा वक्त उनके पास था, काम काज से वो दूर थे अपने, उस वक्त ही आपको ये मौका मिला था जब आपने इसको हम कहेंगे कि आखिरी शक्ल जो है वो दी, या अपने इस टैलेंट को आपने एक रूपरेखा के तौर पर निखारा, इस बारे में भी बताइए हमें कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रस्तर से बहुत दिनों से काम कर रही थी लेकिन वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं था, जो कि पत्थरों को लोग बहुत शीन गीन मानते हैं, तो बस वो सीमित था, मेरे अपना आर्ट वगैरह मैं सोशल मीडिया पे डालती थी लेकिन पत्थरों का काम नहीं डालती थी। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स एक हुआ और मैंने कुछ बनाई तस्वीरें और वो सोशल मीडिया पे मैंने डाली,
और जब ये कोरोना काल हुआ उस समय जितने इवेंट हो रहे थे जो काफी मार्मिक थे, जो दृश्य हम देख रहे थे खबरों में, पेपर में, अखबारों में, या जो घटित हो रही थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे मार्मिक लगी और वो बहुत पेनफुल लगी। और जिसको कि मैंने सोचा कि इन्हें भी क्यों ना मैं पत्थर से ही व्यक्त करूं, जिससे लोग देख सके, जान सके। तो फिर उसी दौरान मैंने जो भी कोरोना में घटनाएं घटी हैं, कि जैसे लोगों को बिठा के उनके ऊपर जी कीटनाशक दवाई छिड़की गई, जो कि हमको सभी को पहला अवसर था ये इस प्रकार से देखना कि इंसानों के ऊपर कीटनाशक दवा छिड़की जा रही है, या भूख के लिए एक बच्चा खिड़की से आधा झांक रहा है और एक केला जो बाहर बैठे हैं, जो लोग उनको भोजन के लिए केला फेंक रहे हैं, रोटी फेंक रहे हैं, और वो कैच कर रहा है। तो ये सब दृश्य देखने से मैंने अपना प्रस्तर में भी उसको उतारने की कोशिश की, और डॉक्टर या नर्स जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसको भी मैंने अपने प्रस्तर से कहने की कोशिश की है। अनिता जी, ये तो बात हुई हमारे हाल फिलहाल के इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में, जी जिसे आपने एक पत्थरों को आकार देके, शक्ल देके उसको उकेरा आपने। लेकिन अगर हम आपके इस हुनर की बात करें, जब लोगों के बीच में ये बात पहुंची कि आप इस तरह की एक आर्ट रखती हैं, क्या उन्होंने आपको सराहा, या ऐसी कोई जो बात आपके दिल को छू गई हो, या लोगों ने आपको इसकी तारीफ की हो, या फिर इसको कहते हैं ना एक फालतू समझ लेना कि हाँ ये तो टाइम वेस्ट है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, ये जरूर साझा कीजिए आप हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पत्थर जब मैं संग्रहित करती थी और कुछ यदि आकृति मिलती थी और मैं यदि कुछ आकृति उसको दे पाती थी जोड़ के फेविकॉल से चिपका के, और वो बड़ा सुंदर लगता था, तो लोग तारीफ तो करते थे जो घर में आते थे, देखते थे और बोलते भी थे कि अरे हमें भी देना ये। और जब लेकिन मैं देती थी उनको, तो कहीं ना कहीं बाद में सुनने को मिलती थी कि ये पत्थर चिपका के कहीं से भी सड़क रोड साइड से पत्थर इकट्ठा करके और हमें दे देती है। मतलब ये गिफ्ट की कीमत जो थी वो बिल्कुल ही नगण्य हो जाती थी उस समय। तो फिर मैंने ये तोहफे के रूप में देना बंद कर दिया था लोगों को, और सिर्फ अपने घर तक ही सीमित था। अब दोस्त ये चीज थी दोस्तों तक, लेकिन चूंकि मैं सेना परिवार से हूँ और देश के भिन्न भिन्न शहरों में, प्रदेशों में जाना हुआ, और वहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता है वो उससे मैं जुड़ी रही और वहां से भिन्न भिन्न पत्थर इकट्ठे करती रही, तो घर में संग्रहित होना एक बहुत स्वाभाविक था। तो घर के लोग भी कई बार परेशान हो जाते थे कि ये आपके पत्थर, इनका क्या करना है, क्योंकि हमारी हर 2 साल में पोस्टिंग होती थी और वो संग्रहित होते होते बड़े रूप में होते जा रहे थे। सामान लगेज एक ट्रक में आखिर में वो मतलब लोड किए जाते थे कि भाई आपके पत्थर सबसे आखिर में लोड होंगे। तो वहां कहीं ना कहीं बहुत दुख होता था मुझे कि ये मैंने कैसे इकट्ठे करे हैं और कोई इसकी कीमत समझता ही नहीं है। लेकिन आज जब ये इस कला के रूप में आ रहे हैं तो अब सब चुप हैं और सब कहते हैं, पूछते हैं कि भाई आपने ये कैसे संग्रहित किया है। आज भी 4-5 बक्से मेरे पत्थर के जो हैं वो भरे रखे हुए हैं और उनमें बहुत अद्भुत आकृतियां भी हैं। अनिता जी, इसके अलावा हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि अब जब आपके इस कला को एक नाम मिल गया, एक पहचान मिल गई है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत हम कहेंगे कि हॉट केक के तौर पर जो है अभी इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रहा है, युवा वर्ग की अगर हम बात करें, अपने युवाओं की बात करें, क्या उनमें से आपकी तरफ कोई ऐसे ऑफर भी आए हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी इस तरह के स्टोन्स की पहचान करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप हमें 2 दिन में सिखा दीजिए ये चीज को, हमें हम सीख लेंगे, हम आपके पास आके रह लेंगे। या बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप पत्थर कहाँ से खरीदती हैं, क्या आपने ये पत्थर गार्डन वाले उधर शॉप से खरीदे हैं। तो उनके लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि पत्थर हम बेशक आज के समय में, आज के दौर में हम बेशक पत्थर हमें बिकाऊ भी हैं, मिल जाते हैं, लेकिन आपको उससे जुड़ना होगा। और यदि जब आप कलाकार के तौर पे उससे जुड़ेंगे तो बेशक कोई भी सड़क किनारे भी मिला हुआ पत्थर होगा तो वो आपकी कला के रूप में स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आएगा। जैसे कि अभी जो आप देख रहे हैं बेगम अख्तर का चित्र, या देश अभी ये भारत का हमारा झंडा देख रहे हैं, ये सब सड़क पे गिट्टी जो होती है उससे बनाया है मैंने। तो इसको कहीं ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास, आपके पैरों के पास ही
सब कुछ है, केवल वैसे अनीता आपको जी, उसको यहाँ पर मैं संजोना आपको है। रोकते हुए ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बनाई हुई हैं। अलग अलग तरह के जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल आपने इसमें किया हुआ है, तो क्या जी कुछ खास तरीके के पत्थर, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, उनका आप जी इस्तेमाल करती हैं, और एक तस्वीर को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? देखिए, पत्थर तो अथाह हैं, मतलब असंख्य, जैसे आसमान में तारे हैं उस प्रकार से पत्थर हैं, और हर वैरायटी के हैं। कि आप अगर रेत को भी छानोगे तो उसमें से भी कुछ पत्थर ऐसे निकल जी जाएंगे। सड़क बनती है हमारे यहाँ, तो सड़क के कंस्ट्रक्शन साइट में वहां से पत्थर, नदी किनारे पत्थर, आप कहीं घूमने जाते हैं कोई ठोकर में भी कई बार ऐसे पत्थर आ जाते हैं जिनमें कोई ना कोई आकृति होती है, और वो हम उठा सकते हैं और संग्रहित कर सकते हैं। जहां तक बनाने की बात है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चित्र तुरंत मुझे 10 मिनट के अंदर मैं क्रिएशन कर लेती हूँ। कुछ चित्रों को मधुर गीतों के साथ में पूरा करती हूँ। जैसे कि जब भी मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ अभिनेत्री का, कोई लेखक का, तो संगीत मेरे साथ होता है और मैं रम जाती हूँ। तो उसमें करीब आधा घंटा, कभी 20 मिनट और कभी कभी 1 घंटा भी लगता है। तो पोर्ट्रेट में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। बाकी अगर कोई विषय पे बनाना होता है तो मुझे हाँ आधे घंटे से 20 मिनट से लेके आधा घंटा ही लगता है। जैसे कि मैं दिन में एक बार 20 मिनट अपने लिए इन पत्थरों के साथ जरूर जी रखती हूँ। अनिता जी, एक खास चीज़ जो हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं लगातार, और दर्शक भी नोटिस कर ही रहे होंगे कि इसके अंदर शिवाजी राव की है, और बहुत सारे ऐसे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और कहीं ना कहीं मैंने जो देखा वहाँ पे वैजयंती माला की भी एक आकृति हमें दिख रही है। तो क्या जी आप कुछ सेलेक्ट करती हैं कि कोई बर्थडे है किसी का या फिर कोई एक बड़ा इवेंट है तो उसको लेकर आप बनाती? बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, गूगल हैं या एक दो और हैं जो नाम नहीं ले सकते अभी फिलहाल हम यहाँ इस मंच पर, जी वो लोग कोई खास दिन को लेकर भी एक कार्टून तैयार करते हैं या कोई छवि तैयार करते हैं, तो क्या आप भी इस तरीके से इसको प्रमोट करती हैं? जी जी मैं चूंकि मुझे हिंदी साहित्य में बहुत रुचि है, लिखती पढ़ती रहती हूँ, तो जितने भी लेखक हमारे वरिष्ठ लेखक हुए हैं उनके जन्मदिन की तारीखें मेरे पास एक लिस्ट है, जिसको मैं हर दिन सुबह देखती हूँ कि आज किसका जन्मदिन है। और पिछले, क्योंकि 2 साल से इतना ज्यादा पोस्ट कर रही हूँ, तो फेसबुक अपने आप ही याद दिला देता है कई बार। लेकिन जो चित्र है मैं उनको जो बना चुकी हूँ वो तो उसी दिन पोस्ट कर देती हूँ, और यदि नहीं होता है तो उस दिन कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ये चित्र बना के समर्पित करूँ उस याद को। जैसे कि आज वैजयंती माला बाली का जन्मदिन है और आज मैंने उनका चित्र बनाया और आज उनको याद किया पत्थरों से। जी तो जी ये एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण है कि मैं उनके जन्मदिन याद करती हूँ, जो वरिष्ठ, जो हस्तियां, ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व हुए हैं जिन्हें हमने आंखों से देखा है, जिनके बारे में सुना है या जिन्हें हमने पढ़ा है। अनिता जी, आपका जो ये हुनर है, ये इस तरीके का हुनर है कि पत्थर भी बोल उठते हैं। एक गाने की लाइन भी है कि गीत गाया पत्थरों ने, और आपकी जो तस्वीर है इस लाइन को जीवंत भी बनाती हैं। अब अगर बात करें आपके परिवार की, तो परिवार के अंदर कितना सपोर्ट मिला आपके इस हुनर को लेकर? आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो किस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग में आपको इसके लिए हम कहेंगे कि पुश किया या फिर उन्होंने रोकना चाहा था, ये ज़रूर हम जानेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही रोचक वाक्य है, मैं जरूर बताऊंगी। कि शादी के बाद हम हस्बैंड वाइफ, क्योंकि पति मेरे वायुसेना अधिकारी थे, तो हम हनीमून पे गए, और जहाँ से मैंने कुछ पत्थर उठाए, ये हमारी पहली पहली मुलाकातें ही थी, जिसपे उन्होंने आक्षेप भी लगाया कि ये क्या तुम पत्थर उठा रही हो, कचरा। और मैंने इनको कहा कि ये पत्थर तुम रख लो अपने पॉकेट में, तो उन्होंने मना कर दिया। उस समय मेरे पास ये उत्तर नहीं था कि इन पत्थरों का मैं क्या करूंगी। लेकिन अब शादी को 30 वर्ष लगभग हो चुके हैं, और अब पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने देख लिया मुझे कि ये हर जगह पोस्टिंग में हर जगह से पत्थर इकट्ठे करती है और कुछ ना कुछ करती है। तो अब उनके पास प्रश्न नहीं है ये कहने के लिए कि इनका क्या करोगी, उन्हें पता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और हर बार यही होता रहा कि पोस्टिंग हर 2 साल में आती रही हमारी, और जब भी ट्रक में लोड होता था सामान तो वो पहले से सचेत कर देते कि भाई पत्थर या तो तुम कम कर लो या फिर ये लास्ट में चढ़ेंगे। लेकिन आखिर में कोई पत्थर कम नहीं हुआ,
उन्होंने कोशिश की कि वो सारे बक्से जितने मैंने सहेजे हैं पत्थर, वो पूरे के पूरे ट्रक में आ जाएं। तो उनका जरूर एक श्रेय ये है कि हर जगह ट्रक में, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, जैसे हम शिलोंग पोस्टिंग में रहे, हम जामनगर राजस्थान में रहे, हम गुजरात में रहे, तो कहीं भी जाना होता था मेरे ट्रक में पत्थर जरूर गए। लेकिन जब मैं यहाँ पुणे में आई, जब मेरे हस्बैंड 2 बार पोस्टिंग बॉर्डर पे गए और मुझे बच्चों की एजुकेशन के कारण पुणे में रहना पड़ा, तो फिर ये हुआ पिछले कोई 7-8 सालों में कि मेरे पत्थर जो थे वो पैक हो गए और गैराज में ही रखे रहे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो वापस निकले बक्सों से, और फिर सोशल मीडिया का में लोगों ने देखा, और अब वो बेड साइड में साथ में रखे होते हैं। घर में सारे लोग जानते हैं कि चाहे काम वाले हों या बच्चे हों या हस्बैंड हों या घर में और भी सदस्य हैं, सब लोग, कि कोई चीज इधर से उधर हो जाए लेकिन ये मम्मी के पत्थर या इसके अनीता के पत्थर कहीं जाना नहीं चाहिए, या मैडम के पत्थर अगर झाड़ू में भी गिरते हैं, कहीं गिरा एक पत्थर भी मिलता है तो काम वाली भी उठा के मुझे देती, मैम आपका ये लो तोहफा। तो इस प्रकार सभी का अब जी सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे कई मित्र हैं जो सेना में हैं, वो लोग कहीं और पोस्टिंग में हैं, और वो लोग मुझे फोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि अनीता हमने तेरे लिए तोहफा रखा है, हमने पत्थर इकट्ठे करके रखे, हम तुमको पहुंचाएंगे। तो ये सबसे सुखद है कि लोग आपकी कला के से इस तरह जुड़ रहे हैं और वो खुद भी संग्रहित कर रहे हैं, और अगर मुझे तोहफे में भी भेजते हैं तो उनका तोहफा मेरे सर पे, सर माथे पर है। अनीता जी, आप एक समाज सेवी हैं, आप लेखिका हैं, आप उद्घोषिका हैं, और इन सब के बीच में आप कहीं ना कहीं अपने लिए वक्त जो है मुश्किल से निकाल पाती होंगी। अगर अपने इस शौक की बात करें, अपने इस पैशन की बात करें, तो कैसे वक्त निकाल पाती हैं आप इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, वक्त तो ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन मैं निश्चित करती हूँ कि जो वक्त लोग कुछ भी दूसरी चीजें करने में व्यर्थ करते हैं, मैं उस वक्त को मैं सिर्फ 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा चुराने की कोशिश करती हूँ। और जब वो भी नहीं मिलता है तो रात को बैठ के, जब सबके घर के सारे काम हो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं, मैं तब अपना काम शुरू करती हूँ। और रात को अगर 10 बजे भी मैंने अपना काम शुरू किया तो 12-1 बजे तक 2 घंटा काम करती हूँ, और इस तरह अपना समय अपने लिए रखती हूँ। मतलब अपना पैशन आपने छोड़ा नहीं, उसको फॉलो आप करती ही रहती हैं अपने पैशन को। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे रोज रोज का एक काम है, जैसे कि हम नियमित अपने जो दैनिक काम करते हैं जी उसी ढंग से ये एक काम है मेरा, जिसे मैं पिछले कई वर्षों से करती आ रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 वर्षों से ही लोग देख पा जी रहे हैं, लेकिन मैं नियमित इस काम को करती हूँ, अनीता एक भी जी, दिन ये मिस नहीं जो होता मेरा। आपका ये इवन जज्बा मैंने है अपने जब पैशन को फॉलो करने का, बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूज के बारे में, तो इस सिद्धांत पर चलते हुए हम देखते हैं अपने आसपास कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज बिल्कुल के दौर में उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बना दी गई हैं, बाकायदा गार्डन्स बने हैं, बाकायदा घूमने फिरने की जगहें बनी हैं जो वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई हैं। इस बात को लेकर आप क्या कुछ समझाना चाहती हैं आज के यूथ को, आज की जनरेशन को? बिल्कुल, इस समय हम लोग प्राकृतिक आपदा से इतना जूझ रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे वातावरण को दूषित कर रही हैं, तो क्यों ना हम प्लास्टिक या दूसरी चीजों को अवॉइड करें, और जो हमारे आसपास ही है उसी से कलाकृतियों को अगर हम बनाएं और उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करें, तो एक कला के माध्यम से भी और प्रकृति के की सुरक्षा के माध्यम से भी ये बहुत कारगर हो सकता है। जैसे मेरी कलाकृतियों में जो लकड़ियां यूज होती हैं वो मेरे ही घर के गमलों के पौधों की सूखी हुई लकड़ियां हैं, या मैं कहीं बाहर जाती हूँ और कोई मुझे डाल मिल जाती है, कोई फूल मिल जाते हैं, गिरे हुए जमीन पे गिरे हुए फूल मिल जाते हैं, मैं उनको भी लेके आती हूँ और अपनी कलाकृति में उपयोग करती हूँ। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, और ये पत्थर तो निर्जीव, कहने के लिए निर्जीव हैं। बशीर बद्र साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि पत्थर ही समझता रहा मुझे चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो आप देखिए कि पत्थर आज अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, मैंने तो उन्हें बस संजोया है
और व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। बाकी जो चीज कहते हैं वो तो पत्थर ही कह रहे हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। अनिता जी, एक इसके अंदर सबसे खास बात ये भी है कि हम सैंड आर्ट की बात करते हैं या बहुत सारी ऐसी आर्ट हैं जो कि अभी सामने प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, यूथ जो है उनको बहुत सराह रहा है। आप क्या चाहती हैं कि जो ये आपने प्रस्तर कला को आगे रखा है, एक पहचान दी है, इसके लिए आप क्या चाहती हैं प्रशासन से, सरकार से? क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर्स स्टार्ट होना चाहिए या फिर इसके लिए कोई प्रशिक्षण तैयार किया जाना चाहिए? क्योंकि आर्ट जो होती है कभी दबनी नहीं चाहिए, खोनी नहीं चाहिए, इसको बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ही जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं खुद इस बात से अन्वित थी कि ये भी एक कला का रूप हो सकता है। जो शौक था वो कला के रूप में, और अब विस्तार जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ और विस्तार होता जा रहा है, और इसमें बहुत संभावना है। मतलब नाम बना, नाम, तारीख, पोर्ट्रेट बनाए हैं, कविताएं मैंने कही हैं इसमें, कोटेशन कहे हैं, तो क्यों ना इसको कला संकाय यदि एक कला के रूप में, अपने विषय के रूप में यदि कॉलेज में या स्कूल में शिक्षा में लेके आएंगे, तो हमारे बहुत सारे बच्चे इस कला से, प्रकृति से जुड़ पाएंगे और इस कला को बहुत सरल माध्यम से और बहुत सस्ते माध्यम से व्यक्त कर पाएंगे। और ये कला का इसमें बहुत सारी गुंजाइश है, क्योंकि मैं जब बनाने बैठती हूँ तो मुझे खुद ही लगता है कि इसमें अभी ये भी बना सकती हूँ, मैं इससे ये भी बना सकती हूँ, और एक चित्र के मैं अनेकों रूप में तैयार कर लेती हूँ। तो पत्थरों से और सूखी लकड़ियों से, पत्थरों से, फूलों से, बहुत कुछ जो हमारे बिल्कुल आसपास है, जो हमारे घर के अंदर है, जो हमारे कहना चाहिए बगीचे के अंदर है, जो हमारे घर से 2 कदम निकलते साथ ही हमें पैरों में आ जाती हैं चीजें, वो मिल रहा है आपको। एक कला जी का ये टूल है जी जी एक बिल्कुल प्रकार से, जी। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम, कला संकाय में इसको हम शामिल कर सकते हैं। अनिता जी, अब आज के बाद से मैं तो अपनी बात नहीं करती, हमारे दर्शकों की बात नहीं करती, हम तो सबकी बात करते हैं कि पत्थरों को इस तरीके से जो देखने का नजरिया है आपकी वजह से बदला है। पत्थर और ढीला जिस तरह से होता है वो प्रस्तर कला हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये पहचान देने वाली भी आप ही हैं। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।